हाय गाइज, मैं हूँ दीपिका कक्कर इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू दीपिका की दुनिया। सो आज सबसे पहले तो सॉरी, मैं दो दिन में बीच में कुछ बना नहीं पाई, मैंने आपको बोला था, लेकिन क्या हो जाता है ना, बहुत सारे काम आ जाते हैं और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना हो सके आप लोगों के साथ रेगुलर रहूँ, लेकिन हो सकता है बीच में थोड़ा सा गैप हो जाए। सो आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट। सो आज मैं और सबा जो है शॉपिंग जाने वाले हैं, नथिंग न्यू, बट ऑब्वियसली जब आप शॉपिंग जाओ तो कुछ डिफरेंट हो ही जाता है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए आज के डे का रूटीन। तो अभी थोड़ी देर में मैं रेडी होऊंगी, और आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि उस दिन जिस तरह से मैंने अपना आई मेकअप किया था, मतलब वो स्मज काजल जो मैं बहुत बार करती हूँ, वो मैंने कैसे किया, तो आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी जल्दी में, और फिर हम लोग घूमी घूमी चलते हैं। नहा लिया है और आजकल नहाने के बाद मैं यूज कर रही हूँ ये है नम्या का बॉडी टोनिंग वंडर ऑयल। और मैं पता ही क्यों लगाई, देखो आप सबको मेरा वेट लॉस तो दिख रहा है ना, प्लीज हाँ बोल दो यार, बहुत मेहनत कर रही हूँ। तो जो वेट लॉस होता है तो कोई स्ट्रेच मार्क्स ना आए आपकी बॉडी पे, सो एज अ प्रिवेंशन मेजर जो है मैं ये ऑयल यूज कर रही हूँ। सो इससे जो है आपके जो भी स्ट्रेच मार्क्स हैं वो अवॉइड किए जा सकते हैं, एंड द बेस्ट पार्ट इज इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया गया है, एंड इसे ना हम मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। हम जैसे ही लगाते हैं ये पूरी तरह से आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ऐसी चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं हो रही। सो आपको इसी तरह से इसको सर्कुलर मोशंस में अपनी बॉडी पे थोड़ी देर मसाज करनी है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए, ये इस तरह से जब हम इसको सर्कुलर मोशंस में अपनी बॉडी में मसाज करते हैं ना, उससे क्या होता है, कई बार हमारी बॉडी के कुछ हिस्सों में फैट सेल्स जो हैं वो अक्यूमुलेट हो जाते हैं। एंड अच्छा, इस ऑयल को आप पूरी बॉडी में लगा के मसाज कर सकते हो, कि इट्स वेरी सेफ। तो जब हम इस तरह से मसाज करते हैं ना, वो फैट सेल्स ब्रेक हो जाते हैं, सो वन इज दैट। एंड ऑल्सो जब हम लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन ढीली पड़ जाती है, जब विंटर्स होते हैं तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उन सब प्रॉब्लम्स का ख्याल रखने के लिए और आपकी बॉडी आपकी स्किन को टोन एकदम खूबसूरत लुक देने के लिए ये ऑयल बहुत ही बेनिफिशियल है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत नेचुरल इंग्रीडियंट से बना हुआ है, इसीलिए जो फीडिंग मदर्स है उनको भी बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो भी इसे सुकून से यूज कर सकती है। सो अब मैं अपना हल्का सा मेकअप कर रही हूँ बाहर जाने के लिए, एंड पिछले वीडियो के बाद आप लोग मुझसे बहुत लोगों ने बोला था कि जो आई मेकअप था मेरा, जो स्मज लाइनर जो मैं बहुत बार करती हूँ, आप लोग जानना चाहते हैं कि वो मैं कैसे करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना बेसिक फाउंडेशन वगैरह कर लेती हूँ जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ, और उसके बाद डिटेल में मैं आपको आई मेकअप दिखाऊंगी। सो ये मैंने अपना लिक्विड फाउंडेशन लिया है और मैं इसको डैप कर लूंगी पूरे फेस पे। एंड अब मैं लगा रही हूँ कॉम्पैक्ट, आप चाहे तो लूज पाउडर भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स द सेम। आईब्रो फिलिंग जो कि बहुत जरूरी होता है, मैंने पिछली बार भी आपको वीडियो में बोला था, तो इस वक्त मैं वो कर रही हूँ। ओके, सो नाउ आई मेकअप। अब क्योंकि आज डे टाइम है और मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़्यादा लाउड या फ्लैशी नहीं चाहिए, तो मेरे पास ये मैट कलर्स का पैलेट है, मैं ये यूज़ करूँगी, और इसमें से मैं एकदम सटल शेड जो है वो चूज करूंगी। सो वो मैं अपनी उंगली पे डैप कर लूंगी और अपने आईलिड पे लगा लूंगी। जैसे मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में भी बोला था कि मुझे ब्रशेस यूज करना कम पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो ब्लेंडिंग आपके फिंगर्स से होती है मेकअप की, वो बेस्ट होती है। मैं एक बहुत ही माइल्ड कलर का जो है हाइलाइटर यूज करूंगी। एंड अब आप कोई भी काजल पेंसिल ले लीजिएगा, मैं शुगर ब्रांड की यूज कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। एंड इससे आपको एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है, पूरा एंड तक नहीं, एंड से थोड़ा पहले खत्म कर दीजिएगा, क्योंकि हम जब उसको स्मज करेंगे तो वो फुल एलैबोरेट हो ही जाएगी। एंड ज्यादा थिक नहीं करनी है, एकदम हल्की सी, बिकॉज वो बहुत डार्क होती है। That's it. अब एक उंगली से इसको पूरा अच्छे से स्मज करेंगे।
ये अब भी बहुत डार्क है, लेकिन ये फिंगर हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, सो एक क्लीन फिंगर से हम इसे दोबारा स्मज करेंगे। इससे क्या हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा डार्क लाइन है वो और अच्छे से मर्ज हो जाती है और आपको एक शेड लाइटर भी मिल जाता है। That's it. अब हम पूरे, अच्छा यहाँ पे भी काजल लग गया, कोई बात नहीं, ये हम लास्ट में जो है टिश्यू से क्लीन करेंगे और उसके ऊपर हम पाउडर पफ कर देंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि ये होता ही है। अब हम काजल पूरा फिल कर लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आप काजल फिल कर रहे हो, आपके ऊपर वाले आईलिट पे भी काजल जाना बहुत जरूरी है। सो हाउ आई डू इट माई सेल्फ इज जस्ट कीप द पेंसिल हियर, शट माई आई एंड रन इट थ्रू ट्वाइस। सो अब ये जो यहां पे जो काजल लग गया है, उसे आप कोई भी टिश्यू हाथ में लेके बहुत हल्के से क्लीन करना, रफली मत करना वरना उस एरिया का पूरा मेकअप निकल जाएगा। सो जस्ट हल्के से यू हैव टू डैब इट। जो आपका फेस पाउडर होगा वो भी एकदम हल्का सा लेके दोबारा लगा लेंगे। एक आपको लगेगा ब्राउन कलर की पेंसिल, ये आपको एकदम हल्के तरीके से अंडर काजल के जस्ट नीचे स्मज करनी है। किस तरह से, ये आप देखिए। हल्के से एक स्मज इफेक्ट आपको चाहिए और इसको भी आप, दैट्स इट। सो जो मेकअप आप लोगों को बहुत पसंद आ रहा था आईज का, जो मैं हमेशा करती हूं, जो मुझे भी बहुत पसंद है, वो मैं ऐसे करती हूं, बहुत इजी है ना। अब मैं इस आई में भी कर लेती हूं। अगेन ऊपर वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए अगर आप इस तरह से अपना लिड पकड़ के फिर इसको पूरा ड्रॉ कर सकते हैं, है कि आपको तकलीफ नहीं होगी, आपकी आई ब्लिंक नहीं होगी, तो आप वो कर सकते हो, वरना सेम जैसे मैंने आपको इस आंख में बताया, ये यहां रखिए, आंख बंद कीजिए और इसको दो बार इस तरह से फेर दीजिए, काजल लग जाता है ऊपर। आई मेकअप मस्कारा के बिना अधूरा रहता है, सो अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। रेडी, तो हम आ गए हैं भगवान कलेक्शन अपनी शॉपिंग करने के लिए। ये डिटेल में आप सबा के व्लॉग में भी देखेंगे। और हमारे अप्पा जी लंबी छुट्टी मना के वापस आ गए हैं। हम दो तीन बार आए और हमने इनको बहुत मिस किया, लेकिन अब ये वापस आ गए हैं। लेकिन नदीम भाई ने हमारा बहुत ख्याल रखा। अरे आज नदीम भाई नहीं दिख रहे, आज उनकी छुट्टी है क्योंकि फ्लाइट है। ओके मैं आज कुछ, देखिए सबा क्या शॉपिंग करने वाली है वो तो आपने देख लिया, मैं कुछ बहुत स्पेशल शॉपिंग कर रही हूँ। कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, अभी जल्दी होने वाला है, कितने 4-5 दिनों में ना। हाँ, कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है, वो आपको देखने मिलेगा हम तीनों के व्लॉग्स पे, और बहुत मजा आने वाला है। तो उसके कपड़े बनवाने के लिए मैं आई हूँ और मोटा मोटा मैंने सिलेक्शन कर लिया, तो मैं आपको जल्दी से एक झलक दिखाती हूँ कि मैं कुछ लीक तो करूंगी, ऐसे मैं बहुत बुरी हूँ मुझे पता है। सो नेक्स्ट डे हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ लेसेस लेने के लिए। एक्चुअली कल मैं और सभा इतने ज्यादा थक गए थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम सीधे घर आ गए। सो मैं आ गई हूँ यहाँ अपनी सबसे फेवरेट लेस की शॉप पे। ये देखिए मैंने बहुत सारे क्यूट पॉम्पॉम्स और लेसेस सब ले लिए हैं और यहाँ पे मेरा काम हो गया है। जो कुछ मुझे अंधेरी में नहीं मिला वो मुझे यहाँ मिल गया। और मैंने अपने लिए कुछ बहुत ही स्पेशल ऑर्डर किया था, वो शायद रेडी हो गया होगा, तो मैं जा रही हूँ वो पिक करने। मुझे जो पिक करना था वो मुझे मिल गया है और अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं शोएब को दिखाऊंगी। शोएब को बिल्कुल आइडिया नहीं था इसका, सबा को पता था। शोएब भी आ चुके होंगे मुझे पिक करने के लिए, तो अब जल्दी जल्दी चलते हैं। ये देखो ये मुझे शूट कर रहे हैं, मैं इनको शूट कर रही हूँ। ये देखो ये देखो आ गई, हमें इंतजार कराते हुए ये अपना शूट कर रही है, हम अपना शूट कर रहे हैं। मेरा खत्म हो रहा है। अच्छा मेरा शुरू हो रहा है अभी। छोटा सा सरप्राइज है उसके लिए, तो वेट कर सकते हो ना मेरे लिए। आंखें बंद करो, मुझे भरोसा नहीं आप पे, दिखा नहीं। हाथ दो, तुमसे थोड़ा काम करवाना है।
ये मेरे लिए है, ठीक है, ये मेरे लिए है और मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, मैं बाद की ज्ञान बाद में दूंगी, अभी आप देखो। अच्छा डीएस एसडी, वाह सही है, अच्छी है ना, पहना दो। ये उल्टी पहनाई शोएब। अरे तो मुझे क्या पता, मैं अपने हिसाब से पहना रहा हूँ। हम केक हमेशा उल्टा रखते हैं ना सामने वाले के हिसाब से। ये रिंग है तो मैं वैसे ही रख रहा हूँ। सो आप लोग भी देखिए मेरी रिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये रिंग मैंने अपने लिए ऑर्डर की थी और वो आगे मैंने शोएब को नहीं बताया था, सिर्फ सबा को पता था। एक्चुअली जब मैं सारा के लिए इयररिंग्स लेने आई थी ना, तब मैंने ऐसे ही देख ली रिंग, क्योंकि मुझे इस उंगली के लिए एक रिंग चाहिए थी और मुझे ये अच्छी लग गई और मुझे इनिशियल्स हमारे हम दोनों के पहनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने बनवा ली। सो कैसी लगी आपको रिंग? अच्छी है, बहुत अच्छी है। देखिए जनाब, वैसे मैंने मैडम से, अगर मैं मैम को याद दिलाऊं कि मैंने मैडम से बहुत वक्त पहले बोला ब्रेसलेट नहीं, क्योंकि मैं गोल्ड नहीं पहनता, अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने मैडम से बोला था कि मेरे को ना एक सिल्वर की चेन चाहिए एक लॉकेट के साथ, जिसमें क्या लिखा हो लाइक अल्लाह या समथिंग कुछ वैसा एक करके लॉकेट चाहिए था। वो मैडम ने अभी तक पता नहीं ऑर्डर किया कि नहीं किया। नहीं क्योंकि नहीं, एक मिनट, उसका रीजन है क्योंकि मुझे अपने लिए सरप्राइज प्लान किया जाता है, हमारे बारे में सोचती पटका कर दिया मेरा, मैं इतनी एक्साइटेड। ओके नहीं, लेकिन तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ, अगर कोई अच्छा ऑनलाइन भी, अगर आपको कोई सिल्वर के कारीगर पता है जो हम जो नेट पे डिजाइन दे वो उस हिसाब से लॉकेट मुझे बना के दे पाए, यहाँ मैंने बहुत पता किया है पर वो नहीं हो पाया, तो प्लीज कमेंट्स में बताइएगा और बताइएगा मेरी रिंग आपको कैसी लगी। और ये वीडियो अब मैं यही खत्म कर रही हूँ। हाँ थोड़ा हौचपच हो गया इस बार क्योंकि कल रात को जैसे कि मैंने आपको बताया सब और मैं बहुत थक गए थे, तो हमने कुछ नहीं किया, हम आके सीधा सो गए। सो अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए खूब सारी, और जनाब की शॉपिंग है तो मैं तो ही नहीं शूट कर पाऊंगी क्योंकि इनकी शॉपिंग के वक्त बहुत सारी मेहनत लगती है और अब जो भी होगा वो आप इनके ब्लॉग में देखेंगे। तो मैं आज के लिए यहीं अपना वीडियो खत्म करती हूँ और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय गाइस, लव यू ऑल, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो।